जो उस्ताद मौजूद हैं माहौल के साथ आपको मिलवाएंगे और उनके ट्यूटरों को भी शौक करवाएंगे, साथ ही उनसे कुछ अहम मालूम भी हासिल करेंगे ट्यूटरों के मुताबिक। तो चले आए उस्ताद साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हो? ठीक ठाक। थोड़ा सा आप आगे आ जाए उस्ताद साहब, आपका आज हम शौक करने के लिए आए हैं, तो आप कहें कि कब से आपको शौक पड़ा है ट्यूटरबाजी का और आप कहाँ का शौक कर रहे हैं? मैं जो मेरा जो शौक है मैं ना दिखा, मुझे नहीं पता कि मैंने कब ये यानी शौक स्टार्ट किया। मैंने जब आँख खोली ना तो ये परिंदा मेरे बिल्कुल यानी सामने था, उस वक्त से लेके आज तक मैं आज भी इस परिंदे के बिल्कुल सामने हूँ। हाँ जी, तो उस्ताद साहब से ये भी पूछेंगे जी कि इनके कबूतर माशाल्लाह बहुत फिट है, मैंने देखा इनके कबूतरों को काफ़ी फिट नज़र आ रहे, तो इनकी फिटनेस का क्या राज है? रेगुलरली आपको इन अपने परिंदों को चेक करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। जब इनके पास आने का मकसद यही है कि आप जब भी सुबह आएँ तो अपने केजों को अपने कबूतरों को एक नज़र ज़रूर जान के देखें सारे परिंदों को, वो देखने के बाद फिर इनको दाना पानी जान के दें। जो आदमी जो शौकीन हजरात अपने कबूतरों को डेली चेक नहीं करते उनके कुटुंब में जो उतना वायरस वो नहीं जानते चाहिए, क्योंकि ये जो स्टार्ट होता है जब परिंदे में स्टार्ट कोई वायरस आना तो फौरी आप पकड़ लेना तो इंशाल्लाह ताला फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर एक परिंदा बीमार हुआ आपने उसको नहीं देखा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वो ऐसा ऐसा ना आपस में यानी कि वो दाना पानी इकट्ठा खा पी रहे हैं तो उससे बीमारी फैलने का ज़्यादा यकीन खतरा होता है। ऊपर आने का कबूतरों में सुबह जाने का पहले मकसद ये आप तमाम कबूतरों को चेक करें, तमाम कबूतर को आप ज़रा जान के चेकअप करें और इनको मेडिसिन जो होती है वो आप महीने में 2-4-5 लेके डिसाइड करें कि आपने चेकअप 1-4-5 टीकट इनको जान की मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक वो लाजमी जान के करनी और इंजेक्शन वो 3 महीने तो 3 महीने के बाद इंजेक्शन। तो उस्ताद मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है साथ साथ बीमारी का अटैक होता जा रहा है, वहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे कि मौसम से कैसे बचा जा सकता है, तो कैसे बचाएं आप क्योंकि कबूतर भी काफ़ी वायरस में पड़ जाते हैं? इस ये जो है ना मौसम ये जो जा रहा है हमारे पाकिस्तान में ना जा रहे हैं यानी कि मौसम 3-3 महीने का यानी स्टेप है। जब भी यानी कि मौसम होना चेंज आपने मेडिसिन यानी कि लाजमी यूज करनी, मैं तो क्लैरिसेट कैरीवेट और अमाक्सर ये 3 चीज़ों का मैं महीने में ना 3 दिन लाजमी यानी करता हूँ। हाँ जी, तो उस्ताद मतलब आपके पास कौन कौन से कबूतर मौजूद हैं और जिनका आवाम है आप शौक रहेंगे? कैडी है मेरे पास, हमाम तीन है, कांतों वाले कबूतर हैं, ये मेरे पुराने जनी कबूतर हैं, मुझे इन्हीं कबूतरों का शौक है। तो आज हमने आप कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं? तो मेरे पास जो भी परिंदे हैं मैं 2-2, 3-3, 4-4 कबूतर। चलो ठीक है जी, तो उस्ताद मोहतरम के कबूतर भी देखेंगे। दोस्तों अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। तो चले उस्ताद जी ये पहले शौकीनों को ये मैंने 3 कपल्स लगाए हैं माशाल्लाह जी। उस्ताद साहब के जोड़े देख सकते हैं, इन्होंने यानी कि है यानी कि बिल्कुल रिपीट है, ये 5-5, 6-6 महीने के हैं माशाल्लाह जी। हाँ जी, ये आप यहीं पे अच्छी तरह यंग जोड़े यानी कि ये जी उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि ये यंग जोड़े लगाए हैं अभी बिल्कुल फ्रेश। हाँ जी, शादियों के महीने भी यानी कि स्टार्ट हो गए हैं जी, तो मैंने कहा पहले कबूतरों से यानी कि स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, बहुत हसीन ये यंग पट्टे हैं ना 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 नादर खान, 5-5, 6-6 महीने। ठीक है जी। हाँ माशाल्लाह, वो तीसरे का भी शौक रहा है जो आगे जी बिल्कुल। जी दोस्तों अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जी बच्चे हैं पठियाँ पट्ठे हैं। माशाल्लाह जी
बहुत ही हसीन। दोस्तों आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली बता दीजिएगा। अब आपको उस्ताद साहब के ब्रीडिंग ब्रीडर कबूतरों का भी शौक करवा रहे हैं। ये देखें, ये उस्ताद साहब बता रहे हैं कि जी ये भी ताज़ा जोड़ा लगाया अभी। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया यासर भाई। दोस्तों साथ साथ ये भी बताते जाइए कि अब आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही है या नहीं। वीडियो तो क्लियर आ रही होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी बहुत खूब। दोस्तों उस्ताद अकरम अकी साहब लाहौर, उनकी छत पर मौजूद हैं हम आज और उनके ब्रीडर कबूतरों का भी शौक करवा रहे हैं आपको। देखें अपनी खूबसूरती में आप मिसाल है। अभी माशाल्लाह इस साइड जी, ये दूसरी साइड के अभी कबूतर दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों अगर वीडियो क्लियर आ रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली बता दीजिएगा कमेंट करके। माशाल्लाह जी छत भी शौक कर रहा हूँ, गाड़ियाँ भी मैंने की हैं, यानी कि विभिन्न की हैं, बाजी भी खेली हैं। माशाल्लाह टोटल आज तक मैंने जिस छत से भी शौक किया ना, मैंने ये कबूतर उड़ाया। बड़ी बात है। हाँ तो उस्ताद मोहतरम लोग तो कहते हैं ये कबूतर उड़ते ही नहीं है, ये सिर्फ फैंसी पीस है, शो पीस है। नहीं नहीं सर, ये जो कबूतर है ना, ये जो लोग मुझे जानते ना वो ये बात नहीं आपको कहेंगे। ठीक हो, ये कबूतर नहीं उड़ते। चलो दोस्तों आप कबूतरों को पकड़ के आपको शौक करवाते हैं तो उस्ताद साहब से उनके मतलब भी कुछ मालूमात भी लेंगे। तो कबूतर आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो जी उस्ताद मोहतरम, अब हम आपसे कबूतर के मतलब और कुछ पूछेंगे सवालात। तो आप ये बताएं कि ये आपने कब से कबूतर रखे हुए हैं और कब से ये जोड़े मतलब कि आपके पास मौजूद हैं? काफ़ी देर से मेरे यानी के पास हैं, तो जब से मैं यानी के शौक करूँ कैडी कबूतरों का, वैसे मुझे शौक है, हमाम जिनों का भी शौक है, तो जब से मैं शौक करूँ मेरे पास ये हैं यानी के। जी तो दोस्तों जैसा कि आपने उस्ताद साहब की बात सुनी थी कि लोग कहते हैं जी सेठ वाले नहीं उठते, तो ये सेठ वाले नहीं जी,
मैरो वाले ये हैं कबूतर, ठीक, मैं इनको सेठ वाला नहीं जानते क्या, बिल्कुल, जो इनको सेठ वाले क्या कहते हैं उनके पास हो गई जानकारी सेठ वाले, बिल्कुल, ये मैरो वाले कबूतर हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनका रिजल्ट है। बेसिकली हाँ सर, ये जो कबूतर हैं ये कास्टली हैं, ये आम बंदा इनको छोड़ ही नहीं सकता, ये चार चार पाँच पाँच दस दस लाख रुपये का जोड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना जी। तो हर बंदा अपने दायरे में ही यानी कि शौक यानी कि करता है, तो वो क्रॉस को उसमें लोग छोड़ छोड़ लेते हैं। मैंने जब भी शौक किया मैंने डायरेक्ट ये कबूतर बिल्कुल डाले, माशाल्लाह जी, हाँ, बड़ी बात है, हाँ जी। तो लोग तो ऐसे कबूतरों को अपने खुडे से निकालना ही पसंद नहीं करते, हमारे पास है ना अलहमदुल्ला इस टाइम भी मेरे पास, आपने जैसे शो किया नीचे ऊपर मेरे पास 100 यानी कि आज थोड़ा माशाल्लाह बड़ी बात है, हमारे घर में 150 बच्चा हर महीने तैयार होता है, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तो उस्ताद मोहतरम जैसा कि आप बता रहे हैं कि जी लंबी नोकों वाले ये सेठ वाले कबूतर नहीं है, ये मैरों वाले कबूतर हैं दोस्तों। मैर साहब के पास ये जो नोकें आप देख रहे हैं ना, आपको लंबी नोकें ये लग रही हैं जी, मैर साहब के पास जो कबूतर थे उनकी यहाँ से नोक 1.25 इंच की लंबी यहाँ से, ठीक है, और पीले उनके थे, मोरे थे, पीली पलकें थी और जरकान जरकान, हाँ जी, बड़ी तो ये जो बेसिक से इनके कबूतर की जो बेस है ना, जो पुराने ये जो है ना कबूतर, वो ये हैं, ये देखें जी, वो ये कबूतर, ये मैरो वाले कबूतर, माशाल्लाह जी, हाँ जी, इसकी नोक यानी कि आप चेक करें इनके शोल्डर देखें, ये ऊपर इनके वी यानी कि यानी कि आती है उम्र के हिस्से में, ये पूरे जालदार यानी कि हो जाते, माशाल्लाह जी, बड़ी बात है, हाँ जी। चले दोस्तों इसकी आँख का शौक करवाते हैं, फिर आपको इसका पर भी चेक कराएं जी, देखें दोस्तों, अगर वीडियो क्लियर आ रही है तो कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़, माशाल्लाह जी, बहुत खूब, इसका कुंदा भी दिखाएं आप लोग, ये कुंदा चेक करें दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये कबूतर उड़ते नहीं है, आप इनके पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, ये दूसरी साइड का कुंदा चेक करें, माशाल्लाह जी, अभी क्रीजों का है यानी कि सांसा मोमोसा कट्टे में जाके ये मौसम कब्जे कबूतर अपनी क्रीजें पूरे करेंगे, माशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह ताला आपको शौक भी यानी कि करवाएंगे दोस्तों, जैसा कि उस्ताद साहब बता रहे हैं कबूतर अभी क्रीजों में पड़े हुए हैं, हाँ। तो जैसे ही क्रीज से ख़त्म हो गए तो इंशाल्लाह दोबारा उस्ताद साहब का इंटरव्यू करेंगे, हाँ जी, और आपको दोबारा इन कबूतरों का शौक करवाएंगे, जोड़ा जोड़ा दिखाएंगे लोगों को इंशाल्लाह जी, कपल वाइज से भी शौक करवाएंगे, ठीक है उस्ताद जी, पंजे चेक कराना ज़रा, माशाल्लाह उस्ताद जी, हमारे कबूतरों की ये जो चाहे ना ये चीज़ें नहीं, ये बारीक होंगी माशाल्लाह, हाँ जी, मोटी यानी कि जो है ना नली का कबूतर, वो उस्ताद अकरम अकी कुटे में आपको नज़र भी नहीं आएगा, क्या बात, हाँ जी, ये देखिए उस्ताद साहब, ये आपकी कौन सी ब्रीड है, टैडी कबूतर जी, मैं तो इनको ये सारी समझ लें ब्रीड कोई नहीं, लोगों ने अपने अपने मुख्तलिफ नाम रखे हैं, ये सारी समझ लें मेरी यानी कि औलाद ही है मेरा, माशाल्लाह जी, बिल्कुल जी, हाँ जी, इतनी मेहनत से आपने पाले हैं, ये कबूतर का शौक करवाए, ये चैंपियन कबूतर है जी, माशाल्लाह जी, क्या बात है उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं दोस्तों कि ये कबूतर के बच्चे जो हैं चैंपियन कबूतर है खुद भी और इसके बच्चे भी आगे चैंपियन चैंपियन है, माशाल्लाह जी, वो 83 नंबर भी लेते हैं, ये 83 नंबर ब्रीड है जी, हाँ जी, क्या बात है, पर चेक कराइएगा, ये कुंदा चेक करें, क्या बात है माशाल्लाह जी, शुगिर्द मेरे बादशाह साहब जी, ये सारी ब्रीड उनके यानी के है पापा
जी दोस्तों, उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि जी वहाब शाह साहब हैं, ये सारी ब्रीड उनके पास मौजूद है और उनके घर में उड़ रहे हैं ये कबूतर। हाँ जी, माशाल्लाह जी। क्या दूसरी साइड का कुंदा चेक करिएगा, माशाल्लाह उस्ताद जी, काफ़ी नायाब कबूतर हैं दोस्तों। क्या बात है, पंजे चेक कराइएगा। ये देखने देखे दोस्तों, जैसा कि उस्ताद साहब ने फरमाया था कि जी के मोटी नली वाला कबूतर इनके खुडे में मौजूद नहीं है, ये भी बिल्कुल बारीक नली वाला कबूतर है, माशाल्लाह जी। क्या बात, और ये रिजल्टेड पेयर है, क्या बात, बहुत खूब। ये भी 83 नंबर है, ये भी 83 नंबर का शौक करवा रहे हैं दोस्तों। क्या बात, माशाल्लाह जी। उस्ताद मोहतरम, इसकी कोई हिस्ट्री इस कबूतर ये की? खुद ही यानी कि हिस्ट्री यानी कि है, यानी कि शीट है। हाँ जी, इनके ना नस्ल में यानी कि मोर है, माशाल्लाह जी। हाँ जी, क्या बात, क्या बात। दूसरी साइड का कुंडा चेक करिए, दोस्तों क्रीज में पड़े हुए कबूतर, जैसा कि आप देख सकते हैं कबूतरों ने पर झाड़े में, पत्ते में शो कराएंगे आपको जी इंशाल्लाह, जरूर। डेढ़ महीने बाद ये कबूतर क्रीजों में साफ हो जाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला शो करने का भी मन होगा। क्या बात है, पंजे चेक कराइए उस्ताद जी, क्या बात, क्या बात। दोस्तों ये कबूतर का भी शौक करें, ये कौन सी ब्रीड है उस्ताद जी आपकी? 83 नंबर ही, ये भी 83 नंबर ब्रीड दिखा रहे हैं जी दोस्तों आपको। क्या बात दोस्तों, ये 83 नंबर ब्रीड आपको चेक करवा रहे हैं, इनके बच्चे भी चैंपियन है और ये खुद भी चैंपियन है, माशाल्लाह जी। और खूबसूरती भी बेमिसाल है, दूसरा कुंदा चेक करिए उस्ताद जी, माशाल्लाह। क्या बात, बिट्टे वाले ताजी मामदीन कबूतर भी आकर मौजूद हैं इस वक्त। क्या बात दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा। जी उस्ताद मोहतरम, अब अपने एक फेवरेट कबूतर का शौक करवाने लगे हैं, वैसे तो सारी फेवरेट है उस्ताद मोहतरम के।
उस्ताद जी थोड़ा सा इधर कर ऐसे कबूतरी लिया दी फड़ के यार कोई नहीं अंदर फड़ के माशाल्लाह जी इसकी आँख का शौक रहा उसका नादर खान साहब इनके ना ये आप देखें इसके जो ये जो पान है सारे ये चेक करें ब्रीडर कबूतर की ये निशान दोस्तों जो उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्त उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं कि जी ये जो आपको कशम आ रहे हैं ऊपर नजर आ रहे हैं सारे ये साथ साथ चले ये जी ब्रीडर कबूतर की निशानी है हाँ जी ये चेक कर लें आप माशाल्लाह जी क्या बात है उस्ताद जी और आपने अंदर जितने भी कबूतर देखे ना वो सब इसी का यानी के पार है क्या बात है जी दोस्तों जो अभी आपको अंदर कबूतर दिखाए थे वो सारे इसी का पार है और इसी की नस्ल चल रही है आगे सारी क्या बात है इसकी आँख का शौक है नादर खान ये जो नहरों वाले और जो ऐसा जोड़ा पूरे पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा इससे पहले इस जोड़े का किसी ने मेरे घर से शौक उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि जी इससे पहले इन कबूतरों का शौक किसी ने भी नहीं करवाया किसी भी इंटरव्यू में नहीं कराया गया तो ये पहली बार जी इंटरव्यू कर रहे हैं बंद खुड्डों में से आए तो इसलिए जी कबूतर बिठ मार रहे हैं उस्ताद जी मोहतरम ये जोड़ा है जोड़ा ये जोड़ा नहीं है ना नादर खान ये एकेडमी है क्या बात है जी उस्ताद जी मोहतरम फरमा रहे ये एकेडमी है ये जोड़ा नहीं है क्या बात है क्या बात बहुत खूब ये सारी नस्ल जी जो आपको अंदर अंदर कबूतर चेक करवाए थे सारी इसी ब्रीड है पूरी इसी जोड़े की नस्ल है क्या बात है उस्ताद जी मादी का शौक करवा दिया जी उस्ताद मोहतरम मादी का शौक करवाने लगे हैं अब जी दोस्तों देखें दोस्तों वीडियो क्लियर आ रही है और साथ ही अगर ऑडियो आपको क्लियर आ रही है तो मैसेज करके बता दीजिएगा कमेंट ज़रूर करिएगा वही इसके ऊपर जो मैंने उसके कबूतर के बारे में बताया ना देखें दोस्तों जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने कबूतर का बताया था कि जी कि जिसमें ये हल्के हल्के पर मार रहा हो भाई पशम मार रहा हो वो कबूतर ब्रीडर कबूतर होता है और बिल्कुल वैसे ही मादी में भी मौजूद है क्या बात है हसीन दोस्त आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ क्या बात अब इमाम दीन कबूतर का शौक करवा दीजिएगा बैठ जी उस्ताद जी तो जी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मज़ा इंशाल्लाह ज़रूर आ रहा होगा आपको उस्ताद अकरम मक्की साहब के कबूतरों का शौक करवा रहे हैं आज आपको और बड़ा मज़ा आ रहा है जी इनके कबूतर देख के मेरे
नवीद साहब। ये जी उस्ताद अकरम मक्की साहब के शागिर्द हैं नवीद साहब। नवीद साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी। ये भी नवीद साहब अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े शौकीन हैं माशाल्लाह जी। और इसने 5-6 सालों में काफ़ी पिक किया है मेरी कबूतरबाजी में, और सारे जितने भी मेरे शागिर्द हैं पिक तो यानी कि 7-7 सालों ने किया है, लेकिन ये खसूसी तौर पर मेरे से टाइम यानी कि ले लेते हैं। इसने हफ्ते में 2-3 बार लाज बनाना है, मेरे से सेटिंग करनी है और कबूतरों के बारे में पूछना है, उड़ाने के बारे में पूछना है। माशाल्लाह मैं इससे काफ़ी इसकी कबूतरबाजी से मुतमिन हूँ। बहुत जी क्या बात। आमिर खान भी मेरा यानी कि शागिर्द है, मैंने उसे माशाल्लाह बना दी यानी कि बनाया, यानी कि उस्ताद बनाया। शाकर है यानी कि रटोर है, काफ़ी यानी कि लंबी यानी कि फ्रिस्त है। मेरा कोई भी ऐसा शागिर्द नहीं है जिसे मैं टीच नहीं जल्दी करूँ माशाल्लाह। हाँ जी, जैसा कि उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि जी आमिर खान साहब हैं, फैसल साहब हैं, साउथ अफ्रीका में यानी कि होते हैं। कल मैं गुजरात शहर यानी कि जहाँ जा रहा हूँ, तो वो मेरे यानी कि शागिर्द हैं, उनको भी यानी कि कबूतर बाजें इंशाल्लाह ताला 2021 में वो भी जो छाता ना हमारी वो भी यानी कि बाहर आएगी। ठीक है, गुजरात शहर में इंशाल्लाह ताला वहाँ से यानी कि शौक हो। ठीक हो गया। तो जैसा कि उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि जी कि आज से 4-5 दिन पहले आमिर खान साहब को उस्तादी पग दी गई है, और शाकल यानी कि रटोर है सियालकोट से, मुजफ्फर है मलक में मुजफ्फर, वो मेरा यानी कि बेटा भी है, भाई भी है, शागिर्द भी है, उससे काफ़ी रिश्ते हैं। उस वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कबूतरबाज है माशाल्लाह। इसी दिन आपको यानी कि सियालकोट में उसके यहाँ भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर चलेंगे जी, वो शो करवाएंगे ब्रीडिंग वाले कबूतर ज़रूर हों। ठीक हो गया। हाँ चले जी, ये कबूतर का शौक करवा रहे हैं। ये सारी जो भी कबूतर आपको दिखा रहे हैं सारे उस्ताद मोहतरम के अपने घर के कबूतर हैं, सारे एक ही ब्रीड चल रही है माशाल्लाह जी। ये ऐसा कोई कबूतर नहीं खान साहब जिसको मैंने हैंड फीड नहीं किया, अपने हाथ से नहीं जानी के पकाला हुआ, ये सब मेरे हाथ से जानी के पले। क्या बात, बहुत खूब। लोगों को इसकी ज़रा ना बंतर दिखाएं कि कबूतर ऐसा होना चाहिए। जी दोस्तों, कबूतर का बंदर चेक करें, क्या बात है। कमाल है जी। क्या बात है उस्ताद जी। दोस्तों आपने देखा होगा कि उस्ताद साहब के कबूतर माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं, और कबूतर क्रीज़ में पड़े हुए हैं, और इस कबूतर का आप खड़ा होने चेक कर सकते हैं, शोल्डर थोड़े से बाहर आए हुए हैं, सीना चौड़ा। क्या बात है जी माशाल्लाह जी, फड़क शौक। ये अब उस्ताद मोहतरम इसका अब शौक करवाएंगे हमें, क्या बात भाई भाई, कोई गल नहीं भाई। दोस्तों इसका पर चेक करें, क्या बात है माशाल्लाह जी। दोस्तों वीडियो क्लियर आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। दूसरी साइड का कुंदा चेक करें उस्ताद जी। जी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा एक साइड का कुंदा था इसी तरह दूसरी साइड का भी कुंदा है, क्या बात है माशाल्लाह जी। आँख का शौक रहेगा उस्ताद जी।
माशाल्लाह जी। क्या बात, मजा आ गया जी, पूरा शौक रहा। ये जी मामदीन कबूतर का शौक करवाने लगे उस्ताद जी। बिल्कुल प्योर हालत में मौजूद है। क्या बात, पर चेक कर जी दोस्तों, ये अब इमामदीन कबूतर का शौक करवा रहे हैं। क्या बात है, दूसरी साइड का कुंदा चेक करिएगा उस्ताद जी। जी दोस्तों चेक करें। अच्छा उस्ताद जी, मैंने एक चीज़ चेक की है कि जी कबूतर की जो पहली कली है, ये आपके ये सारे कबूतरों के ब्रीडर कबूतर की निशानी है। ये ब्रीडर कबूतर की निशानी, मैंने अपने पिछले जो था ना इंटरव्यू, वो उसमें ये बात कही थी, सही हो गया। और जो मैंने कहा था वो मेरे कबूतर साबित कर रहे हैं माशाल्लाह जी। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पहली कली है, ये हर कबूतर, जो भी आपने कबूतर देखा होगा, ये बड़ी होगी। और ये उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं कि जी एक बड़े ब्रीडर कबूतर का निशानी होती है माशाल्लाह जी। इसकी आँख का शौक जी धूप में करेंगे। थोड़ा ही थोड़ा माशाल्लाह जी। क्या बात, उस्ताद मोहतरम इस कबूतर की कोई हिस्ट्री बताइएगा हमें। ये खुद हिस्ट्री शीट है, यानी कि ये बड़े पुराने कबूतर हैं जनाब। इमामदीन इनका जो नाम है वो बड़ी यानी के कसूर से यानी के पड़ा हुआ नाम। क्या बात है उस्ताद, जो आपके पास कबूतर मौजूद है, आप बताइएगा कि इनका कौन से कबूतरों के साथ क्रॉस मारा जाए तो ये रिजल्ट। मैं टैडी जो मेरे पास कबूतर है ना, और इमामदीन जो कबूतर हैं, जब भी उड़ाने के लिए हम शोध करते हैं इनको यानी कि टच कर लेते हैं, ठीक हो गया, तो फिर नादर खान ये समझ लो कि वो कबूतर फिर आपने सिर्फ छोड़नी है, उड़ेंगे वो यानी खुद ही। क्या बात है, इस कबूतर को टैडी के जब त्रास होगा ना, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे कबूतर बनेंगे कि लोगों का यानी कि शौक यानी कि पूरा। क्या बात है, उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं, हड्डी भी चेक करें जी। ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे लग गया। क्या बात, होगी ख़त्म होगी, बड़ी बात है। हाँ जी, इतनी लंबी नहीं है यानी कि ये हड्डी है, ये शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, ये क्या माशाल्लाह जी। क्या बात, ये कांटों वाले कबूतर हैं हमारे। ये जी कांटों वाले कबूतरों का, कांटों वाले जी, सॉरी, ये जी कांटों वाले कबूतरों का शौक करवा रहे हैं आपको। माशाल्लाह जी, क्या बात है, मतलब इसकी आँख का शौक रह गया। माशाल्लाह, ये टेम्परेचर के इतने बहादुर कबूतर हैं नन्ना नादर खान, मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर वाला जो काला इनका ना यानी कि डुडोरा जी, वो आप जरा यानी कि चेक करें, कबूतर का नूर चेक करें, आँख की जो गुलाई है वो चेक करें, आँख की चमक, पानी वो चेक करें, और ये 100% अपनी नस्ल में प्योर कबूतर। क्या बात है जी, माशाल्लाह, पर भी चेक करो। जैसे वही कुंदा पहला इधर से यानी कि स्टार्ट हो रहा, और ये खुद भी शाम तक कबूतर उड़ा हुआ 3-4 साल यानी कि ये क्या बात है। क्या बात, दूसरी साइड का कुंदा चेक करिएगा।
क्या बात, मजा आ गया। लाल परी जो है ना कबूतर, वो इन्हीं में से यानी कि बने हैं। क्या बात दोस्तों, उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि जो लाल परी कबूतर हैं वो इन ब्रीड में से बने हुए कबूतर हैं सारे, इन्हीं का पार होगा उनमें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लाहौर में उस्ताद अकरम मक्की साहब की छत पर मौजूद है और उनके ब्रीडर कबूतरों का शौक करवा रहे हैं आज आप। क्या बात, बड़ी बात उस्ताद मोहतरम, ये भी टैडी कबूतरों के साथ अगर क्रॉस मारे तो रिजल्ट देगा? जो टैडी जो कबूतर है ना, जो ये जो हमारे पास कबूतर हैं, जो इनकी जो है ना बेस वो ये है माशाल्लाह जी, इनके जो चरदादे हैं वो ये कबूतर है, वो आगे से बने हुए हैं। क्या बात, हाँ जी, उन सारे कबूतरों की जो बेस है वो ये वाले कबूतर हैं, ये वाले कबूतर। क्या बात, जहीर भाई बल्तिस्तानी भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। क्या हाल है जहीर भाई? जहीर भाई को मेरी तरफ से सलाम। जहीर भाई, उस्ताद अकरम मक्की साहब आपको सलाम कह रहे हैं। ये देखो दोस्तों को जन के दिखाए, क्या बात, नस्लदार कबूतर है और सीखने वाला यही घर के माशाल्लाह जी। क्या बात, तो ये जी अब एक मुदस्सर भाई हैं, अकरम मक्की भाई साहब के बेटे हैं, उनके उनकी पसंद का कबूतर आपको शौक करवाने लगे हैं। जहीर भाई वालेकुम सलाम कह रहे हैं जी। क्या बात, कमाल मुदस्सर भाई ने भी चुन के निकाला जी, खूबसूरती भी कमाल है। हाँ जी, क्या बात, ये कौन सी ब्रीड है उस्ताद जी? टैडी, टैडी है जी। हाँ जी, इसका मंगाया मैंने बाप, ठीक है, बाप मंगाया और उसका भी शौक हुआ था। उस्ताद जहीर भाई आपको आई लव यू कह रहे हैं जी। थैंक यू जनाब जहीर भाई। क्या बात है उस्ताद, क्या बात माशाल्लाह जी, ये इसका यानी कि बात है ये जी, इसी कबूतर का जी आपको बाप भी दिखा रहे हैं माशाल्लाह जी, बहुत खूब। इनके जी बाप का भी शौक करें जी, इससे पहले आपको कबूतर दिखाया उसके बाप का शौक करवा रहे हैं जी, इसकी आँख चेक करें। मज़ा आ गया उस्ताद जी, ऊपर चेक करें दोस्तों, कबूतर क्रीज में पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब ये क्रीज से फारिग होंगे तो इंशाल्लाह एक माह डेढ़ माह बाद दोबारा इन कबूतरों का शौक करवाएंगे आपको। क्या बात, दूसरी साइड का कुंडा चेक करें। क्रीज में पड़े हुए हैं, चलो रहने दें, कोई बात। क्या बात, जी शुक्रिया जहीर भाई, किंग ऑफ पाकिस्तान उस्ताद अकी साहब, बिल्कुल कोई शक नहीं।
बलोच लिया पड़ गया था यानी दादा जी क्या हुआ। दोस्तों वीडियो क्लियर आ रही है और अगर आपको ऑडियो क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ज़हीर भाई वीडियो और अगर ऑडियो क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बताएं ज़रूर। क्या बात है माशाल्लाह। इसके पर का शौक करें, कबूतर क्रीज में पड़े हैं दोस्तों। हाँ जी बहुत ज़बरदस्त क्रीज में। तो इंशाल्लाह जब ये क्रीज से फारिग होंगे दोबारा इनका शौक करवाएंगे आपको। छोड़ दे उस्ताद जी, छोड़ के भी चेक करवाते हैं। जी समीउल्लाह खान भाई वालसलाम। कौन सा समीउल्लाह खान भाई? अच्छा जी क्या बात है, मज़ा आ गया जी। क्या बात है माशा कबूतर। उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं कि एक चैम्पियन कबूतर है और चैम्पियन कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं। क्या बात है, आखिर शौक करा रहे। चलो पहले पहले जी दोस्तों ये पर का शौक करें। क्या दूसरे से यार चक्कर है, उस्मान खान साहब आपको नंबर दे दूंगा। जी समी भाई आपको सलाम कह रहे हैं उस्ताद जी। ये भी शागिर्द है मेरे, ये भी उस्ताद मोहतरम के शागिर्द हैं जी समीउल्लाह खान साहब। ये दूसरी साइड का आपको पर चेक करवा रहे हैं। क्या बात है उस्ताद माशाल्लाह। और सबसे इसका एंटीक पानी इसकी सारी नोक भी इसकी पानी नहीं है दोस्तों। इसकी नोक चेक कर सकते हैं बिल्कुल नीट। सलाम खान साहब। क्या बात, चलो दोस्तों अजाने हो रही हैं। तो जैसी अजानें ख़त्म होती हैं तो आप दोबारा वीडियो को शुरू करते हैं। ताजी साई खुद रूल है तो खान ऐसी तकलीफ में ला रहे हो इन्नी घंटी के जिन्ने सेठ वाले जिन्ने कबूतर बाद होने सारे उन्होंने बीट कर दी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी मैं बहुत अंटीक जुड़े हूँ मैं अल्लाह का मेहनत लगा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लोग जेड़े अनाड़ी बंदे ने जो अनाड़ी बंदे ने उन्होंने वास्ते मैं दिन भर कर रहे हैं मेहनत कर रहे। क्या बात है कि उन्होंने लोग टोपी वाले पा के ना गुर के
लुटन यानी कि तुर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे कबूतर मैं दुनिया का बना देंगे कि कोई बंदा किसी का माल लुट नहीं सकता। क्या बात, हाँ इंशाल्लाह ताला। उस्ताद मोहतरम फरमा रहे हैं कि जी जो अब ये जोड़े लगा रहे हैं, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह ये सब भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जिनके पास ये कबूतर नहीं है, इंशाल्लाह ताला उस्ताद अकरम की उन सब लोगों को ये कबूतर फराहम जल्दी करे इंशाल्लाह। क्या बात है उस्ताद मोहतरम फरमा। बंदा भी कहे कि मेरे पास शादी ये कबूतर नहीं है, मैं या किसी माली तौर से ये कबूतर नहीं मैं खरीद सकता, मैं इंशाल्लाह ताला एक एक दो दो बच्चों दोस्तों सबको जिनकी मैं दूंगा। लो जी, बहुत बड़ी बात है हमारे प्लेटफॉर्म से उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि जी जो साबे हैसियत नहीं है वो उस्ताद मोहतरम से राबता करके उस्ताद मोहतरम उनको एक एक दो दो बच्चे अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे। क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात है जी, ये बड़े उस्तादों की बड़ा पान है जी उस्ताद मोहतरम का। लोग बेच रहे हैं लाख लाख दो दो लाख की, जो जो गरीब आदमी है जैसे मैं शौकीन हूँ, मैं भी जिनके स्पेस पहुँचे। क्या बात, मुझे पता है कि मैंने ये इंशाल्लाह ताला उन दोस्तों को एक एक दो दो बच्चा उस्ताद अकरम की अपनी तरफ से देख। बिल्कुल बिल्कुल अतर अली भाई, बिल्कुल बेताज बादशाह हैं जी उस्ताद अकरम अक्की साहब, कोई शक नहीं इसमें। सिर्फ मेरे लिए यानी कि दुआ करें। बहुत बहुत उस्ताद मोहतरम का जी आज ऐलान है जी, बड़ी बात है। तो उस्ताद मोहतरम ने जी आज ऐलान किया हमारे प्लेटफॉर्म से कि जो साबे हैसियत नहीं है वो उस्ताद मोहतरम उनको एक एक दो दो बच्चे अपने तौर पर गिफ्ट करेंगे कि जी वो इन कबूतरों को उड़ा कर इनका शौक करें और इनको बढ़ाएं। जो लोग इन कबूतरों के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गल, ये उनके खिलाफ मेरी बगावत है। क्या बात है, हाँ जी। लो जी, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं इन कबूतरों के वाले से, जो मेरे दोस्त मैंने के कमज़ोर हैं ये शौकीन हैं, इंशाल्लाह ताला ये ब्रीडिंग मेरी स्टार्ट होना हो यानी कि हो जाएगी अगले महीने, जो मेरे पास आएगा मैं इंशाल्लाह एक ही दो दो बच्चा उसको जरूर दूँ। लो जी, उस्ताद मोहतरम ने आज से लोगों के कारोबार ठप कर देने हैं। उस्ताद मोहतरम ने चोर बाजारी वो मैंने यानी कि बंद कर दी। लो जी, चोर बाजारी आज से बंद हो रही है। उस्ताद मोहतरम ने फरमा दिया है कि एक एक दो दो बच्चे गिफ्ट किए जाएंगे जो साबे हैसियत हैं और वो इनकी ब्रीड बढ़ाएँ और अपना शौक करें, अपना शौक करें जी। बहुत बड़ी बात है जी, कोई उस्ताद जी किसी ने इन कबूतरों की केयर टेकनी के मतलब, मेडिसिन के मतलब, टीके के मतलब पूछना हो मैं आ जाऊँ। क्या बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है। लो जी दोस्तों, आज हमारे प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्त। उस्ताद मोहतरम ने ऐलान कर दिया है कि जो साबे हैसियत है वो उनको एक एक दो दो बच्चे गिफ्ट करेंगे, वो इनकी ब्रीड बढ़ाएं और अपना शौक जारी रखें, और कोई भी बीमारी के मुतल्लिक, किसी भी मसले के मुतल्लिक कोई राबता करना चाहे तो वो उस्ताद अकरम से राबता कर सकता है और वो इंशाल्लाह उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे। तो उस्ताद मोहतरम, कोई और आप कबूतरों के मुतल्लिक कोई ख़ास पैगाम देना चाहें दोस्तों को? ख़ास पैगाम यही है कि मेरा फ़ोन खुला है, जिस किसी दोस्त को मेरे मुतल्लिक कोई सवाल पूछना हो, तो कबूतरबाजी के मुतल्लिक यानी कि पूछना हो, ब्रीडिंग के हवाले से पूछना, मैं उनका यानी कि खादम हाज़िर हूँ। बड़ी बात, इंशाल्लाह ताला मेरे प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को, जब से मैंने होश संभाला कबूतरबाजी में, मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों को अवेयरनेस दूँ। क्या जितना मुझे पता है मैं जरूर। बड़ी बात है, बड़ी। हाँ तो जी दोस्तों, जिस भाई को भी नंबर चाहिए हो वो मुझसे इनबॉक्स में आकर उस्ताद मोहतरम का नंबर मांग सकते हैं, तो उनको नंबर अवेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, वीडियो साफ़ आ रही हो, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम उस्ताद अकरम अक्की साहब लाहौर में उनकी छत पर मौजूद हैं, तो जी उस्मान खान साहब मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, जो मेरे पास आएगा उसको ज़रूर जाने। जी बिल्कुल उस्मान खान साहब, आपको इधर आना पड़ेगा, आएंगे तो आपको ज़रूर उस्ताद जी ज़रूर गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम ने मुझ जैसी नाचीज़ को जी अपने घर पे बुलाया आज, ठीक है। मैंने इनको एक मैसेज किया, हमारे जाने के बेटे हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन जी आमीन। शौक है आपको कबूतरबाजी को भी कर रहे हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला आपके यानी कि ये जहाद ही है। बिल्कुल बिल्कुल, असल जो आप कर रहे हैं ये खिदमत यानी कि है, खलक है, किसी की भी, किसी का भी अच्छा पैगाम किसी तक जाए ना पहुँचे, उसकी भी नेकी बड़ी बात आप तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो दोस्तों, यही वीडियो मैं अपने चैनल पर भी लगा दूंगा, तो चैनल का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उस्ताद मोहतरम के कुछ आपको अहम मालूमात दी हैं आज, तो बहुत बड़ी खुशखबरी भी जी लोगों के लिए, गरीब शौकीन के लिए जी बहुत बड़ी बात है
कि दो उस्ताद मोहतरम ने आज ऐलान किया है कि जी जो साबे हैसियत है उनको उस्ताद मोहतरम एक एक दो दो बच्चे गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से। तो चलें जी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं उस्ताद मोहतरम के अहम पैगाम से, कोई आप पैगाम दे दें तो उसके बाद जी हम वीडियो को फिनिश करते हैं। जनाब जितने भी शौकीन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत यानी कि तंदुरुस्ती दे। और सबसे बड़ी बात है ये जो कबूतरबाजी है ये दयानतदारी से करें, बड़ी बात हर जो मामला है ना उसमें बड़ी दयानतदारी होनी चाहिए, यानी कि सियासत नहीं होनी चाहिए और कबूतरबाजी होनी चाहिए। एक दूसरे से अच्छा कबूतर बनाने की कोशिश करें, बड़ी बात, दूसरे को नीचा करने की कोशिश करें। ठीक हो गया, तो चले दोस्तों अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तो अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।